Hello guys, and welcome to another vlog. And first of all, happy new year. So this is the 9th vlog that I would be posting on my YouTube channel. And first of all, I would like to say sorry that I haven't posted any video in a while on my YouTube channel because I was stuck in some other projects. But I promise you that this year I would be posting videos consistently, and not only the vlogs but also the sketches such as Trapped, then Bas Thoda Sa, and a series of Teddy Bear by DX, and a hell lot of videos. So as you have shown your love and support on my videos in 2019, keep on loving and supporting me the same way in 2020, for which you have to do only a few steps. That is, keep liking, keep sharing, and most importantly, subscribe to the channel. And without wasting any further time, let's go on to the vlog. हेलो गाइस, ये हमारा सातवां दिन है वाई चाय के साथ में, जो ट्रैक है हमारा साइकिलिंग एक्सपेडिशन. कल हमारा आखिरी दिन होगा, दिस इज द सेकंड लास्ट डे. हम लोग अभी निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं फातुला पास. अभी हम थे हनीस्कोट में. अभी ये हनीस्कोट है, इसकी जो हाइट है वो है 11,400 फीट, और जो फातुला पास हम जाने वाले हैं उसके 13,500 फीट. तो यहाँ से हमें 2,000 फीट ऊपर जाना है, तो 13 किलोमीटर की सीधी लंबी चढ़ाई है. और उसके बाद इस 13 किलोमीटर के लिए हमें 4 घंटे लगने वाले. वो है हमारा पीक पॉइंट, पूरे जर्नी का सबसे पीक पॉइंट. और उसके बाद हम लोग को 13 किलोमीटर नीचे ढलान पे जाना है, और जिसके लिए सिर्फ आधा घंटा लगेगा. एंड अगेन वन थिंग, यहाँ पे अगेन वॉशरूम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी इन सब दिनों में. यहाँ पे सबसे ज्यादा हुई, यहाँ पे पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है. अभी हमने एक बूंद से पानी नहीं पिया, एक बूंद पानी नहीं पिया. नाला ढूंढेंगे जो क्रिस्टल क्लियर वाटर का होगा, क्रिस्टल क्लियर का नाला पी लेंगे. और ये जो हम आप जो टी शर्ट देख रहे हैं, ये हम हमारे पूरे ग्रुप, ये हमने मराठा कैफे से खरीदे. यहाँ पे मराठा कैफे करके एक प्लेस है जहाँ पे कैफे, ये मराठा कैफे जो है वो मराठा रेजिमेंट के अंडर आता है. ये आर्मी की एक रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट, जो हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है. वहाँ पे बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के बंदे भी दिख गए हमको. हाँ. तो और वैसे भी मेरे टी शर्ट तो खराब हो ही गए थे, जो सीमेंट पेस्ट गिरी थी और जो ऑयल लीक हो गया था. तो मुझे तो टी शर्ट लेने, तो सब लोगों ने ले लिए, हमने सेम हमारे ग्रुप ने ले लिए, हमने आज सब ने मिलिट्री के टी शर्ट पहने. ओके, लेट्स गो ऑन अनदर लोकेशन. More trekking than paddling, you know. 3 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, और फाइनली हमारे गाइड जो है शैलेश सर, उन्होंने कहा था कि आगे सिर्फ 3 कर्व ऐसे आएंगे, अगर 3 कर्व आपने पास कर लिए तो आप फतुला में होंगे, फतुला पास. और ये तो जर्नी मतलब बहुत इजीली निकल गई, बहुत ही ईजी थी. अभी हम लोग यहाँ पर हैं, फाइनली एक पर्वत दिखा, एक पहाड़ दिखा जिस पर काफ़ी बर्फ थी. अभी उसको देखकर ही राहत पा सकते हैं, क्योंकि ये वो सीज़न नहीं है जहाँ पे आप बर्फ़ देख सकते हो. अगर आप नवंबर में आते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ मिल जाएगी. लेकिन ऐसे माहौल में ऐसा पहाड़ देखना बहुत अच्छी बात है हमारी. झूले झूले इधर देखो, झूले झूले. Last half kilometer of our ride for the last 7 days we are traveling. We almost there. Bus आखिर के 500 meter. काफी मजा आया. और अब ऐसे होता है कि ये जब शुरू हुआ था तब ऐसे लग रहा था कि खत्म कब होगा. Sorry. जब ये शुरू हुआ था तब ऐसे लग रहा था कि खत्म कब होगा. और अब 500 meter रह गए तो ऐसे लग रहा है कि यार थोड़ा और होना चाहिए था, थोड़ा और होना चाहिए था. ठीक है. Let's continue, let's pedal down there. Rather than trekking, let us pedal. Thank you.
सफर नामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफर हमने लास्ट टाइम कहाँ पे थे प्रसाद हम लोग 500 मीटर पहले थे और वहाँ से बस 500 मीटर चल के आए जिसमें हमको तकरीबन आधा घंटा लग गया क्योंकि पूरी चढ़ाई है लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये जो नजारा है ये हमारे पूरी जर्नी का पीक पॉइंट आप देख सकते हैं। अराउंड 13,400 फीट अब दी सी लेवल। सो ये हमारा एंड था यहाँ की जर्नी का। फाइनली जो इतने दिनों का स्ट्रगल है इतने दिनों की मेहनत है हम आज पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने काफी सारे फोटोज लिए हैं एंड फाइनली अब रीच्ड ओवर हियर और बहुत ही मजा आ गया। और उसके बाद हम लोग बस में बैठ के लेह चले जाएंगे। हाँ हम नीचे आ रहे हैं साइकिल पे। हम लोग 13,500 फीट के तो तू ही बता देना। बता बता। हाँ हम लोग जो 13,500 फीट पे थे यहाँ से हम 10,000 फीट नीचे आ रहे हैं विदाउट सिंगल पैडल ऑफ आवर साइकिल। हाँ अभी यहाँ पे हम लोग रोजाना तो आने वाले है नहीं इसलिए हम लोग ने पिक पॉइंट पे ज्यादा मतलब फोटोज निकालने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि हमारे गाइड ऐसे थे कि यार चलो निकलो यहाँ से। दैट गाय वाज फेड अप विद आवर थिंग्स। ही वाज लाइक कि यार जल्दी करो। लेकिन नहीं भैया हम लोग ने इतने पैसे भरे हैं हम लोग ने इतना टाइम दिया इस चीज़ के लिए एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि यार चलो थोड़ा बहुत डाट खा लेते अपने गाइड की लेकिन यहाँ पे वीडियो बना लेते। तो ठीक है आगे का रास्ता हम आपको रेयर कैमरा से दिखाता हूँ। Hope you enjoy this video. छह दिन पहले हम लोग ने यहीं पे लामायुरु के इस कैंप से यहाँ से मतलब ट्रैवलिंग शुरू किया था। ऐसे ही एक बस थी यही बस थी इसी बस से हम लोग यहीं पे बैठ के आए थे। छह दिन पहले हम लोग ने बहुत मजा मस्ती की थी हमको लगा था कि बहुत कुछ मजा आने वाला ये होने वाला है वो होने वाला ये वो पहले दिन में हम लोग जब ऊपर चढ़ गए थे 5 किलोमीटर तभी हम लोग का उम्मीद टूट चुकी थी कि हम लोग से नहीं हो पाएगा। पहले 1.5 किलोमीटर तक जाते वक्त ऐसा लगा था कि यार बस 5 किलोमीटर हो गए लेकिन उसके बाद लेवल जो जा रहा था फट रही थी एंड फाइनली वी आर हियर। बहुत बार ये थॉट आया कि हम लोग गिव अप कर देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। टॉयलेट्स कई बार सही नहीं थे बहुत गुस्सा आया था। यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं इनकी हालत काफी खराब है। एक बार तो ऐसे हो गया था मतलब सागर का इंसिडेंस ले लो इतना गुस्सा हो गया था ये गुस्सा हो गया था। सागर बताओ हाउ वाज एक्सपीरियंस कितनी बार सोचा कि गिव अप करना है कितनी बार सोचा कि ये करना है कितना गुस्सा किया कितना क्या हुआ क्या सब बताओ। फ्रस्ट्रेशन वाज जस्ट फॉर 1.5 आवर एक्चुअली दिस आई जस्ट कैलकुलेटेड स्पीड होगी कुछ 120 किलोमीटर
40 minutes we can reach. ये आदमी इतना इतना झूठ बोल रहा है, इतना गुस्सा कर रहा था कि ये करने के लिए आए हम लोग यहाँ पे, ये करने के लिए हम लोग यहाँ पे गधा काम कर रहे हैं किसी महान पुरुष ने कहा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट नेवर गिविंग अप, तो उस चीज पे हम लोग खड़े उतरे और उस चीज को हमने फॉलो किया। तो आज हम लोग 6 दिन बाद यहीं पे आए हैं। छह दिन कैसे निकल गया हमें पता नहीं चला। वी कलेक्टेड आवर सर्टिफिकेट आल्सो। फाइनली हम लोग ने सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिए और हमारा दोस्त यश जो निकल गया था 2 दिन में उसका भी सर्टिफिकेट मिल गया। इसका मतलब हमने क्यों किया फिर, ऐसे हो गया। अच्छा तो आपको यहाँ से तो लगेगा कि 6 दिन पहले हम जैसे थे अभी भी वैसे हैं, लेकिन वो इसकी वजह से है क्योंकि हमने अभी सर्टिफिकेट्स लिए हैं और ये जब एड हुई है। कल का या परसों का अगर कंडीशन देख लेते तो बहुत 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 गंदा था कंडीशन कल का और आज का। कुछ लोग हैं जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम है तो उन लोग ने तो गिव अप कर दिया है। 7 दिन पहले जो ग्रुप था स्ट्रेंज 19 पर पीपल का, हाँ अभी वो एक फैमिली बन चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, लेह जा रहे हैं अपने इसमें, तो 3 घंटे का वापस रास्ता होने वाला है। वो आंखों को इतना सुकून देने वाला है जो पहली बार हम लोग ने देखा था, अभी लाइक फक दिस इज लेह, दिस इज लद्दाख, तो वही वापस आने वाला है। सो आई विल बी शूटिंग दोस सम क्लिप्स इन दैट और देखते क्या होता है क्या नहीं। पहाड़ों के सफर का नशा अक्सर किसी ऊंची वाइन की तरह होता है जो धीमा चढ़ता जाता है। चलते चलते एक ऐसा मकाम आता है जहां थकान महसूस नहीं होती, चलने की गति में एक परिवर्तन आने लगता है। सब कुछ इतना शांत और धीमा हो जाता है कि दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है, मानो कि जैसे कुछ पल के लिए जिंदगी थम गई हो। मन ऐसी स्थिर अवस्था में चला जाता है जहां न सुख महसूस होता है और न दुख। शिखर की ऊंचाई बार बार आपको आपके छोटेपन का एहसास दिला रही होती है और ऐसे में ही पंछी गाने लगते हैं। हवा पेड़ों को कुछ यूं सहलाती है जैसे वो पंछियों के मधुर सुरों पर डोल रहे हो। झरने के पानी से एक नई पहचान निकल आती है। राह के पत्थर गुफ्तगू करने लगते हैं, उनके जहन में बसी सालों पुरानी कुछ कहानियां कुछ किस्से सुनाने लगते हैं। ऐसे में आपकी आंखें ही आपका कैमरा बन जाती है, सारी खूबसूरत तस्वीरों को एक कविता के रूप में अपने जहन में बसाने लगती है। एक ऐसी कविता जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। तभी आपको यह समझ आने लगता है कि जो सवाल मन में लिया पहाड़ों की यात्रा पर निकले थे उनके जवाब शिखर पर नहीं बल्कि उस शिखर तक के सफर में है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जर्नी एंड द लास्ट एपिसोड ऑफ माई साइकिलिंग एक्सपीडिशन इन लेह लद्दाख। एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट ऑल ऑफ अस आर बिजी इन आवर शेड्यूल एंड हार्डली गेट एनी टाइम आउट, बट श्योरली वी शुड। एंड आई कैन से दैट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर यू मस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल योर रूटीन एंड गेट योर बॉडी एंड माइंड रिफ्रेश्ड, विच आई डिड। And I had a great time and really will miss these days. Well, I would surely be doing much more projects and would be traveling for sure. And if you guys don't get a day out of your busy life, then no worries. I'll make sure that at the end of the day, my videos will help you get all the thoughts out of your mind and bring a smile on your face. But for that, you have to like, comment, share, and most importantly, subscribe to the channel. Thanks.